दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ऐसा एक महावीर का बात मैं करने वाला हूँ, जिसका जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन में वो 9 आतंकियों को साफ कर दिए थे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हमारा कैप्टन संदीप संकले के बारे में बताने के लिए आ रहा हूँ। ये ऐसा एक हीरो है जो कि एक आदमी होके भी और 20 ऐसा जो आतंकी है जम्मू कश्मीर का हमला में वो लोगों को साफ कर दिए थे। दोस्तों इनका जन्म हमारा वीरभूमि हिमाचल में हमीरपुर जिले में उनका जन्म हुआ था। और ये जो संदीप संकला है वो अपना जो अपना पापा से अनुप्राणित होकर आर्मी में ज्वाइन किए थे। दोस्तों ये जो हमारा संदीप संकला है, ये अपना छोटे उम्र से ही अपना सैन्य में आर्मी में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए वो उनका बहुत आशा था। दोस्तों ये इनका जन्म 1964 जनवरी महीने में उनका जन्म हमीरपुर जिले में हुआ था। दोस्तों इनका जो पिता थे, उनका पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वो भी इंडियन आर्मी में काम कर रहे थे। उनका पिता के काम को देखकर वो अनुप्राणित हुए और अनुप्राणित होकर अपना हिसाब में वो उसके लिए प्रिपेयर करके वो जाके उनको आर्मी में इंडियन आर्मी में वो जॉब उनको हासिल हुआ था। दोस्तों मैं इनका जो वीर गाथा के बारे में इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा वीर और जो हमारा देशों के लिए इस काम करके शहीद हो गए उनका नाम आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल में ऐसा ही मेरे को सहयोग करते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और मैं आपको ऐसा नया नया वीरों का गाथा मेरा हर एक स्टोरी में आपको बताता रहूँगा। दोस्तों मैं आपको मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम बता देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं सावधानी। 14 जनवरी 1986 यही ऐसा एक डेट था जिस दिन संदीप संकला ने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किए। डोगरा रेजिमेंट में उनको कमीशनिंग ऑफिसर के तौर पर उनको ज्वाइनिंग मिल गया। और दोस्तों ये अपना ज्वाइनिंग होने पर उनको सीमा पर तैनात कर दिया गया और अपना सहज सीमा पर तैनात करने के बाद अपना वीरता और अपना साहसिकता और निर्भीकता के चलते हुए वो कुछ ही दिन में कैप्टन का पद हासिल कर लिए। दोस्तों ये उनको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करके कुछ ही दिन हुआ था, तो ये बात मैं बोल रहा हूँ 1991 की, 1991 जिसमें उनको ये खबर मिली कि जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। 30 से 35 आतंकवादी छिपे हुए हैं और वो लोग एक बड़ा ऑपरेशन धमाका करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही उनको ये खुफिया एजेंसी की तरफ से सूचना आई, तो दोस्तों कुपवाड़ा जिला में खुद अपना आर्मी ऑफिसर का परमिशन लेके खुद उसका लीड लेने के लिए डोगरा रेजिमेंट का जो उनका फौज है उनको लेके उसको पकड़ने के लिए और उसको जो आतंकवादियों को हर दिन के लिए हमारा देश से मिटा देने के लिए कुपवाड़ा का जाफर खान जो गांव था वो गांव में जो 30 आतंकिया ऐसा खूबखार आतंकिया छिपे हुए थे, तो उनका जैसे ही उनको खबर आया वो ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उनको परमिशन मिला और वो अपना जो डोगरा रेजिमेंट का जवानों को लेके वो जाफरपुर गांव में पहुंच गए। उनका पहला ये काम था कि वो गांव को चारों तरफ से घेर लिए और घेर लेने के बाद उनके पास जितना भी गोली और गोला बारूद था वो लोगों को जितना भी गांव का लोग जितने थे उनको बाहर सुरक्षित निकाल दिए और गांव का ऐसा कोने कोने में अपना जो डोगरा रेजिमेंट का जो सैनिकों को वो तैनात कर दिया। उनका एक ही उद्देश्य था कि वो जो 30 आतंकिया है वो आतंकियों को हर दिन के लिए उसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों ये अपना जान को खातिर नहीं करते हुए उन वो खुद एक जो गांव का जो घर में वो डेट था 8 अगस्त 1991 जिस दिन ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये ऑपरेशन में वो चारों तरफ आतंकिया घिर जाने के बाद गोलीबारी उन लोग स्टार्ट कर दी और ये गोलीबारी स्टार्ट होते ही उनका एक जवान जो कि आतंकिया के गोलीबारी में गिर गया और ये सोचने लगा कि वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो उस समय
हमारा जो कैप्टन संदीप संगला ने अपना जीवन को परवाह नहीं करते हुए वो उसके अंदर कूद पड़े और अपना जो हैंड ग्रेनेड्स लेके वो हमारा जो आतंकी जिस घर में थे वो उसमें डाल दिए। और जैसे ही वो डाले तो वो जो आतंकी जो घर में थे उसका अंदर से वो लोग भी गोलीबारी करने स्टार्ट कर दिए। तो ये गोलीबारी के अंदर में उनका जो सैन्य था वो उसको आसानी से वो गोलीबारी के अंदर से शत्रुओं के अंदर से उसको निकाल दिए और खुद अपना जीवन को वो उनके आगे जाके युद्ध करने के लिए उनके सामने आ गए। तो दोस्तों ऐसा समय में वो अपना सैनिकों को ये बोल के रखे थे कि मेरा जब जीवन का खातिर मत करो, मगर ये लोग जितना भी लोग हैं सभी लोग सफाए होना चाहिए। तो जब इस समय वो अंदर से घर का अंदर से एक ऐसा बम वो लोग डाले इधर जे संदीप महासरी के पास में ही वो ब्लास्ट हुआ और वो उनका जो हाथ और पैर उसमें ब्लड निकलने लगा। तो उसी समय वो अपना इतना बॉडी का नुकसान होने पर भी वो रौंदते हुए वो घर के पास पहुँचे और पहुँच के पहले जो आतंकी वो घर के अंदर में थे उसके अंदर में वो लोग गोलीबारी स्टार्ट करते हुए अपना AK-47 राइफल निकाल के 9 आतंकवादियों को साफ कर दिए। और साफ करके जब वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उस टाइम में हमारा जो दूसरा आर्मी जवान थे वो आर्मी जवान ने उनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयार हुए थे और उसका अंदर में वो हॉस्पिटल लेते लेते उनका वो अपना भारत भूमि के लिए हमारा देश के लिए हिंदुस्तान के लिए अपना प्राण निश्चावर कर दिए। तो ऐसा जो वीर अपना जो देश के लिए अपना मातृभूमि के लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिए, ऐसा हीरो जो कि अपना जो सैनिक उसको बचा ना बचाया उसके साथ साथ में 9 ऐसा आतंकी थे खुद जाके आतंकियों को साफ किया और सफाई करने के बाद 30 और 20 आतंकी जिसको मतलब हमारा भारत को मतलब पकड़ा दिए। तो ऐसा जो वीर जो काम हमारा देश के लिए काम करते हैं तो इन लोगों के बारे में मेरा तरफ से यही है आपको कि आपको क्वेश्चन है इनके बारे में हमको पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर मेरे को बताइए। दोस्तों इसके बाद हमारा गवर्नमेंट के तरफ से सबसे आर्मी का जो शांति पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र उनको प्रदान किया गया। और इसे ऐसे वीरों जो अशोक चक्र मिला है उनको मेरा तरफ से ऐसा संदीप श्रृंखला को मेरा तरफ से मैं लाख लाख नमन करता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरा वीडियो में एक लाइक कर दीजिए और आप हिंदुस्तानी हैं तो लाइक कर देंगे और उसको शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।